डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास फोर का इंग्लिश बुक है और ये चैप्टर है टू। इस चैप्टर का नाम है द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट, हाथी का सूंड। तो इस चैप्टर में हाथी को सूंड कैसे प्राप्त हुआ था, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी दी हुई है। तो हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं। गॉड हैज मेड दिस वर्ल्ड, भगवान ने यह दुनिया बनाया। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और यह बहुत सुंदर है। मैन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर, और उसमें मनुष्यों को सबसे बुद्धिमान जीव बनाया, सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया। देर आर ट्रीज विथ टेस्टी एंड डिलीशियस फ्रूट, और उन्होंने पेड़ पौधे बनाए जिसमें स्वादिष्ट फल लगते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई हाई इन द स्काई, और पक्षियों को उन्होंने पंखे जो कि आसमान में वे ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। फ्लावर्स आर ब्राइट कलरफुल एंड सेंटेड, और उन्होंने फूलों को चमकीला रंगीन और खुशबूदार बनाया। एनिमल्स हैव फोर लेग्स टू वॉक, और जानवरों को उन्होंने चार पैर दिए चलने के लिए। दे हैव ऑल्सो टेल्स, और भगवान ने उन लोगों को पूंछ भी दिए हैं। इन द बिगिनिंग एनिमल्स वर नॉट डिफरेंट फ्रॉम मैन, शुरुआत में जानवर मनुष्यों से अलग नहीं थे। कैसे अलग नहीं थे? दे वर ऑल्सो विदाउट टेल, मतलब उन लोग भी बिना पूंछ के थे। जैसे कि मनुष्यों को अभी पूंछ नहीं है, तो अब जानवर भी, उस समय उनका भी पूंछ नहीं था। गॉड ऑलवेज एड समथिंग टू मेक दिस वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल, भगवान दुनिया को और खूबसूरत बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ नया जोड़ते रहते हैं। ही थॉट टू प्रोवाइड टेल टू ऑल एनिमल्स, उन्होंने सोचा कि सभी जानवरों को पूंछ दे दिया जाए। ही मेड ए लॉट ऑफ टेल्स, उन्होंने बहुत सारा पूंछ बना लिया। सम वेयर स्मॉल, कुछ छोटे थे। सम वेयर बिग, कुछ बड़े थे। सम वेयर कर्ली, और कुछ टेढ़े पूंछ थे। सम वेयर स्ट्रेट, सम वेयर बूसी, कुछ उसमें से सीधी पूंछ थी और कुछ उसमें बाल लगे हुए पूंछ थे। बूसी मतलब बाल लगा हुआ पूंछ। द मंकी इज ए वाइज एनिमल, बंदर एक बुद्धिमान जानवर होता है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, और कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। गॉड कॉल्ड ऑन द मंकी एंड द डॉग, इसीलिए भगवान ने बंदर और कुत्ते को बुलाया। ही सेड आई हैव मेड टेल्स फॉर ऑल एनिमल्स, और उन्होंने कहा कि मैंने तुम सभी जानवरों के लिए पूंछ बनाया। यू विल डिस्ट्रीब्यूट दिस टेल्स अमंग देम, इन सारे पूंछ को सभी जानवरों में बांट दो। बोथ कलेक्टेड द टेल्स एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर हैप्पीली, उन लोगों ने सारे पूंछ उठा लिए और खुशी खुशी वहाँ से चल दिए। आगे दिया हुआ है, ऑल एनिमल्स गैदर्ड इन ए बिग फील्ड टू गेट टेल, सभी जानवर एक बड़े से फील्ड में जमा हो जाते हैं अपना अपना पूंछ पाने के लिए। द डॉग चूज ए कर्ली एंड बूसी टेल फॉर हिमसेल्फ, कुत्ते ने अपने लिए एक टेढ़ी और बाल वाली पूंछ जो है वो अपने लिए चुनकर रख लेता है। द मंकी टुक ए लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल टेल, और बंदर एक लंबी और सुंदर सा पूंछ अपने लिए रख लेता है। बोथ स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग टेल्स, फिर दोनों पूंछ बांटना शुरू कर देते हैं। द चांस कैम फॉर द एलिफेंट, अब एलिफेंट की बारी मतलब हाथी की बारी आ जाती है। बोथ सॉ दिस ह्यूज एनिमल, दोनों उस विशाल जानवर को देखते हैं। द मंकी व्हिस्पर्ड समथिंग टू द डॉग, बंदर जो रहता है वो कुत्ते के कान में कुछ फुसफुसाता है। बोथ स्माइल फॉर ए व्हाइल, और दोनों ही थोड़े समय के लिए मुस्कुराते हैं। द डॉग ब्राउट ए स्मॉल टेल, कुत्ता एक छोटी सी पूंछ ले आता है। द मंकी स्टक इट टू द बैक ऑफ द एलिफेंट, और बंदर उसे ले जाकर हाथी के पीछे लगा देता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है द एलिफेंट सो हिज टेल, एलिफेंट हाथी अपनी पूंछ को देखता है। ही बिकेम वेरी सैड, वो बहुत ही उदास हो जाता है। ही सेट इन ए कॉर्नर, वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है। गॉड केम टू सी ऑल एनिमल्स, सभी जानवर को भगवान देखने के लिए आते हैं कि सबको पूंछ मिला या नहीं मिला। व्हेन गॉड मेट द एलिफेंट ही स्टार्टेड वीपिंग, जैसे ही भगवान हाथी से जब मिलने के लिए जाते हैं तो हाथी उसको देखकर खूब रोने लगता है। गॉड आस्ट, भगवान पूछते हैं व्हाई आर यू वीपिंग, कि तुम क्यों रो रहे हो। द एलिफेंट सेड, हाथी बोलता है आई एम सो बिग एंड माई टेल इज सो स्मॉल, मैं इतना बड़ा जानवर हूँ और मेरी पूंछ इतनी छोटी है। ऑल एनिमल्स लाफ एट मी, सभी जानवर मुझ पे हंसते हैं। प्लीज हेल्प मी, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। गॉड थॉट फॉर ए मोमेंट, भगवान थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। ही टच द एलिफेंट विथ लव, वह
हाथी को प्यार से सहलाते हैं, छूते हैं। ही काउट द नोज ऑफ द एलिफेंट, वह हाथी के नाक को पकड़ लेते हैं। ही पुल्ड एंड पुल्ड एंड पुल्ड द नोज, वह हाथी के नाक को जोर से खींचते हैं और खींचते हैं और खींचते हैं। द नोज ग्रेव लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड लॉन्गर, और नाक उसका बढ़ते जाता है और लंबा होते जाता है और लंबा होते जाता है और लंबा हो जाता है। गॉड सेड सी यू हैव वन मोर टेल, अब देखो तुम्हारे पास एक और पूंछ है। डोंट वरी बी हैप्पी, अब तुम चिंता मत करो खुश हो जाओ। द एलिफेंट सॉ हिज बिग नोज एंड बिकेम वेरी हैप्पी, हाथी अपने लंबे नाक को बड़े नाक को देखता है और बहुत खुश हो जाता है। ही थैंक्ड गॉड फॉर हिज ट्रंक, वह भगवान को अपनी सूंड के लिए धन्यवाद देता है। और यहाँ पे यह स्टोरी समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे इस चैप्टर का कुछ न्यू वर्ड्स दिया हुआ है। यहाँ पे न्यू वर्ड्स है क्रिएचर ए लिविंग थिंग, इस तरह से यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर इसको याद कर लेंगे। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, आंसर दिस क्वेश्चंस। यहाँ पे 4 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रू फॉल्स लगा हुआ है, बच्चों ने लगाया है। तो यहाँ पे जितने भी ट्रू फॉल्स ये लगा हुआ है वो बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं आगे इसका आंसर नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे मैच करने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसमें एक गलत है, इसीलिए मैं आगे इसका आंसर दे दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द अपोजिट वर्ड, मतलब उल्टा शब्द लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों को आगे इसका आंसर दे दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 5 इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, यहाँ पे है आप इसको खुद जान सकते हैं। जैसे कि डोंट लिखा हुआ है तो डू नॉट बना हुआ है, और यहाँ पे डजंट लिखा हुआ है तो डज नॉट हो गया, वाजंट लिखा हुआ है तो वाज नॉट हो गया। इस तरह से आप इसको खुद बना सकते हैं। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको बना कर दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे डिग्री बताया हुआ है, जैसे ब्यूटीफुल हो गया तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सभी में यहाँ पे मोर मोर लगा देना है। जैसे मोर यूजफुल है, यूजफुल यहाँ पे है तो मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, इस तरह से सब में लगा देना है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पास्ट फॉर्म देना है, मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म जो होता है इसको ग्रामर में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, यहाँ पे V2 लगाना है। तो वर्ब फॉर्म अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग जानते होंगे सी सॉ सीन होता है, तो यहाँ पे सॉ हो जाएगा, V2 लगाना है। तो आगे मैं इसका आंसर दे दूंगा आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा, इसमें कुछ लास्ट में वर्ड्स दिया रहता है, यहाँ बी से दिया हुआ है तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के देता हूँ। यह है चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर। आंसर दिस क्वेश्चंस, व्हिच इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर, मैन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर। व्हाई डू द बर्ड्स हैव विंग्स, बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई हाई इन द स्काई। व्हाट डिड द डॉग चूज फॉर हिमसेल्फ, द डॉग चूज ए कर्ली एंड बुशी टेल फॉर हिमसेल्फ। व्हाई डिड द एलिफेंट थैंक गॉड, द एलिफेंट थैंक्ड गॉड फॉर हिज ट्रंक। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मैच करने के लिए कहा गया है, तो इसका आंसर डायरेक्ट दिया गया है, मैच देम, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर दिया गया है, आप इसको देखकर अपने बुक में लगा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अपोजिट वर्ड लिखने के लिए कहा गया है, जैसे कि हैप्पी, सैड, डिफ़िकल्ट, ईजी, इस तरह से यहाँ इसका पूरा आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भरने के लिए कहा गया है, और यहाँ पे इसका भी डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, आप इसको देखकर अपने बुक में भर सकते हैं। यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।